अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह शेख जी। जी शेख, सबसे पहले डॉक्टर नसीम का शुक्रगुजार हूँ शेख कि उन्होंने फिर एक और सवाल करने का मौका दिया मुझे, मतलब पूरे हफ्ते में। जजाकल्लाह शेख। और मेरा सवाल जी शेख, तो सवाल मेरा ये था कि एक मुसलमान के लिए नमाज के लिए जब खड़ता है तो उसके लिए कंधा ढकना फर्ज है शेख, या फिर अगर कोई छूटता है तो वो मकरूह में जाएगी नमाज? जजाकल्लाह। ये इख्तलाफी मसले के बारे में सवाल किया है आपने, लेकिन राजह कौल के मुताबिक कंधा शोल्डर ढकना नमाज के अंदर वाजिब है। असल में इस सिलसिले में दो तरह की हदीसें वारिद हैं जी। और उन दोनों हदीसों के दरमियान मुहद्दिसीन ने जमा ये किया है, जमा की सूरत यह है कि जिस आदमी के पास एक ही कपड़ा है तो वो नीचे पहनेगा, खुले हुए कंधे के साथ नमाज पढ़ लेगा, लेकिन जिसके पास दो कपड़ा है या इतना बड़ा कपड़ा है कि वो कंधा भी ढक सकता है नीचे भी, तो कंधा ढकना उसके लिए जरूरी है जी। जैसा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में से कोई इस हालत में नमाज ना पढ़े, वलैसा अला आतिकही शयउन, कि उसके जो है कंधे पर कुछ भी ना हो, तो कंधा ढकना ये जरूरी है नमाज में जी। यूनुस भाई जी। जी शेख, तो इसी मसले पर एक वाक्य सुना था शेख, तो उस पर वो ऑथेंटिक है कि नहीं ये जवाब दीजिए शेख की। एक जो एक कपल थे शेख, सहाबी थे, और वो इतने गरीब थे कि वो कभी नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने बगल में एक खड्डा खोद रखा था, उनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा होता था शेख। तो बीवी जब नमाज, इसका जवाब तो मैंने दे दिया नहीं शेख, तो ये हदीस ऑथेंटिक है क्या, इस बारे में पूछना था आपसे। देखिए, ये जो वाकया खड्डे का वाकया आप बता रहे हैं, खड्डे का वाकया मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसी हदीसें हैं जिनसे ये पता चलता है कि बगैर कंधा ढके नमाज हो जाएगी, ऐसी बाज हदीसें हैं। दोनों के दरमियान जमा इस तरह किया गया है कि जब आपके पास कपड़ा नहीं है तो हो जाएगी, तब आप अगर एक ही कपड़ा है या मान लीजिए सिर्फ इजार है तो आप नीचे पहन लेंगे, लेकिन अगर आपके पास इतना कपड़ा है कि आप कंधा भी ढक सकते हैं नीचे भी ढक सकते हैं तो ढकना जरूरी है जी। जी शेख, वाह शेख, जजाकल्लाह।